दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले रॉयल एनफील्ड बाइक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है और किस तरह से एक कंपनी के अंदर बाइक बनती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप किस तरह से आप देख पा रहे हैं, जो भी इंजन के सारे पार्ट्स होते हैं वॉशिंग मशीन में ये क्लीन होते हैं, जिनसे कि इनमें कुछ भी डस्ट डस्ट होता है, जो बारीक बारीक एल्यूमिनियम के जो चिप्स होते हैं वो सारे इसके धुल जाते हैं। इस तरह से ये क्लीन किया जाता है वॉशिंग मशीन के अंदर, जितने भी सारे एल्यूमिनियम के से पार्ट होते हैं, जैसे कि इनका क्रैंक केस हो गया लेफ्ट राइट, ठीक है, तो ये सारे क्लीन होते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेसिंग में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो अपना इंजन का जो लाइन है, इसके अंदर सब असेंबली होता है। इंजन बनने से पहले दोस्तों सब असेंबली होता है, जिनके अंदर आप देख पाते हैं कि गियर को असेंबल किया जा रहा है, ठीक है, और हेड को असेंबल किया जाता है, जिसके अंदर वाल वगैरह फिटिंग किया जाता है, और अपना जो क्रैंक केस होता है उसके अंदर को उसको असेंबल किया जाता है, ठीक है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इनके अंदर कुछ बेयरिंग वगैरह लगाने होते हैं, वो सब असेंबली के अंदर सारे लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये लाइन के अंदर इंजन जाता है। देखिए अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप किस तरह से जो अपना क्रैंक केस है वो तैयार हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों ये होती है कन्वेयर, इसको लाइन बोलते हैं, और सब असेंबली के जो पार्ट्स होते हैं ऊपर लाइन के ऊपर चलते रहते हैं, और जो भी वर्कर्स होते हैं वो इस तरह से एक एक पार्ट को असेंबल करते रहते हैं। दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है हीरो कंपनी का, वो उसमें इसी तरह से सारा काम होता था। हीरो प्लांट निमराना में मैंने काम किया था इंजन असेंबली के अंदर, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखते रहिए, ये देखिए सब असेंबली होती है, इसको सब असेंबली वगैरह बोला जाता है। ये कुछ चीज़ें जो असेंबल कर लेते हैं पहले से, ठीक है, लाइन पे, फिर इसको असेंबल करने का काम रहता है। ये दोस्तों यहाँ पे गियर शाफ्ट आप देख पा रहे हैं, तो अभी इनको गियर शाफ्ट को कंप्लीट एक किट बना के रख लेंगे, जैसे इसका लगाने का टाइम आएगा वो लगा देंगे, ठीक है। अभी ये आप देख पा रहे हैं हेड को असेंबल किया जा रहा है, जिनके अंदर वाल हो गया, वाल सील हो गया, वाल स्प्रिंग वगैरह हो गया, ये कम्प्लीटली असेंबल करके इसको रखते हैं, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। दोस्तों जो मैं वहाँ पे काम करता था हीरो कंपनी के अंदर, मुझे 18 सेकंड का टाइम मिलता था, 18 सेकंड में मुझे पार्ट असेंबल करना होता था, ठीक है। यानी कि एक मिनट के अंदर दोस्तों तीन बाइक वहाँ पे बन जाती थी और तीन ही इंजन बन जाते थे, तो बहुत ही फास्ट काम होता है दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से कुछ मशीन और रोबोटिक के द्वारा इसका काम किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पर किस तरह से मशीन में वर्क हो रहा है, तो इसमें काफ़ी सारी मशीनें, जब आप कंपनी विजिट करते हैं कभी, तो काफ़ी सारी लेत ये CNG और मशीनें होती है इसके अंदर, ठीक है, जिनमें पार्ट्स देखे किस तरह से काम करते हैं, बहुत ही फास्ट काम होता है दोस्तों। अभी देखिए ये अपना जो लाइन के अंदर ये चल रहा है, ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से इसमें लाइन पे काम होता है। अभी आप वीडियो को पूरा देखते रहे दोस्तों साथ तक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करें, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये लाइन चलती रहती है, और ऊपर से देखिए ये भाई जो इसने बोल्ट डाल दिए हैं इसके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो हम जिस तरह से टूल्स यूज करते हैं वहाँ पे गन मशीन होती है दोस्तों, एयर गन होती है, उसके द्वारा बहुत ही फास्ट काम होता है। देखिए फटाफट ये सारे टाइट किए जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता इसीलिए, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर दोस्तों गर्ल्स भी काम करती है और बॉयज़ भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अभी देखिए ये अभी स्टार्ट हो रहा है, जो पहला काम होता है दोस्तों अपना क्रैंक केस, जो इन्होंने क्रैंक डाल दिया है, उसके बाद दोस्तों गियर डाल दिए इसमें, ठीक है, और दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए हैं, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड क्रैंक केस, राइट साइड क्रैंक केस, ठीक है, LH और RH, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये क्लच हब हो गया, पूरा क्लच प्लेट हो गया, ये कंप्लीट डल गया, उसके अंदर देखिए कंप्लीट आधा इंजन कंप्लीट हो गया ये, ठीक है, अपना जो टाइमिंग चेन हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये वाल्व क्लियरेंस देखा जा रहा है इसके अंदर, कि वाल्व का जो हमारा गैप होता है वो कितना होना चाहिए वो इसके अंदर दे देंगे, इसको एक एक को दोस्तों चेक करना होता है, ठीक है, ये बहुत ही कंपलसरी होता है। देखिए अभी इसमें जो अपना हेड है उनके अंदर ये अपना क्रेन जो LH बोलते हैं इसको, LCC कवर बोलता है, लेफ्ट क्रैंक केस कवर, तो ये इसके अंदर फिट हो गया है। उसके बाद तो इसी तरह से एक एक काम चलता रहता है। अभी ये देखिए इंजन कंप्लीट है,
ठीक है। अभी इनको दोस्तों कंप्लीट इंजन के ऊपर एक पन्नी लगा के रखते हैं, जिससे क्या है कि कुछ भी इसमें डस्ट पार्टिकल ना जाए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से जो गेयर होते हैं अपने, वो इस तरह से असेंबल होते हैं, आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये दोस्तों पहले ट्रेनिंग मिलती है जब भी कोई नया जो वर्कर्स होता है वो जाता है, और दोस्तों अधिकतर कंपनी के अंदर ITI डिप्लोमा वाले ही होते हैं दोस्तों, जिनको थोड़ी नॉलेज होती है वही लोग इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनियां होती हैं इनका एक सिस्टम होता है कि जो स्किल बंदे ही इसमें काम करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है तो भी वो काम नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए आपको एक डिग्री डिप्लोमा चाहिए, ठीक। तो वही लोग इसके अंदर जा सकते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों किस तरह से इसमें काम हो रहा है, ठीक है। ये असेंबली है इसकी, और अभी देखिए लाइन के अंदर ही इंजन चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे इंजन टेस्टिंग होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो कंप्लीट इंजन हो जाता है उसका टेस्ट होता है, ठीक है। उसकी सारी आवाज़ हो गई, गेयर्स हो गए, सभी तरह की इसमें देखा जाता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। साउंड वगैरह इसमें चेक की जाती है, और इसमें पूरा दोस्तों हवा भरा जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। जिस इंजन में लीकेज आ जाता है दोस्तों उसको पानी के टैंक के अंदर डुबोया जाता है, और फिर इसको देखा जाता है कि कहाँ से बुलबुले इसमें निकल रहे हैं। देखो दोस्तों हीरो कंपनी का तो ये रूल था, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ एयर भरी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि इंजन पास है फेल है, मशीन दिखा देती है, ठीक है। देखिए साउंड सुनने के लिए कुछ मीटर है इसके अंदर, जैसे कि इंजन का साउंड पता लगता है। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी के अंदर काम होता। अभी ये देखिए दोस्तों कंप्लीट इंजन रेडी हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो इंजन है अब ये फ्रेम असेंबली में जाएगा। दोस्तों आगे आते हैं पेंट के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से जो फ्यूल टैंक होता है उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है दोस्तों। तो काफ़ी सारी बाइक है दोस्तों जो कंपनी है जो इसमें रेडियम का यूज़ करती है, मगर देखिए दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो मैनुअली पेंट का यूज़ करती है। देखिए दोस्तों इसके जो भी वर्कर से किस तरह से बिल्कुल बारीकी से काम कर रहे हैं, और किस तरह मैनुअली ही कलर जो होता है अपना पेंट कर रहे हैं सिंपल ब्रश से, देखिए, और किस तरह की क्वालिटी के साथ ये काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही एक एक्सपीरियंस का काम होता है दोस्तों, इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तभी दोस्तों इस तरह से बिल्कुल बिना किसी के बिल्कुल नॉर्मल हाथ से देखिए आप किस तरह से ये पेंट कर रहे हैं फ्यूल टैंक के ऊपर, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल बारीकी से इसका काम होता है, इसमें कोई मशीन का उपयोग नहीं किया इन्होंने, सिंपल ओनली फॉर अपने हैंड से ये स्क्रेच जो बना रहे हैं पेंटिंग, जो भी लाइन बना रहे हैं देखिए कितना बारीकी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो ये डिज़ाइन डाला जाता है इस तरह से मैनुअली दोस्तों डाला जा रहा है इसके अंदर। तो ये होता है दोस्तों कुछ अपना यूनिक काम होता है जो कि हर कोई कंपनी नहीं करती है, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों जितनी भी सारी कंपनियां होती हैं वो सब स्टिकर का यूज़ करती हैं, जैसे हीरो होंडा TVS बजाज, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों रॉयल इनफील्ड का लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जो भी ये जो साइड का जो अपना पैनल होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, और दोस्तों इनको जो पेंट करते हैं वो बिल्कुल रोबोटिंग के द्वारा होता है, जो कि हम आगे दिखाएंगे आपको। बिल्कुल दोस्तों रोबोट इसके अंदर पेंट करता है, जिससे कि बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आ जाती है दोस्तों। जो पेंट होता है उसके बाद देखिए किस तरह से इसमें रोबोटिंग के द्वारा इसको स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैनुअली सारा कुछ रोबोट करता है, इसके अंदर बिल्कुल कुछ भी वर्कर्स काम नहीं करते हैं, बस रोबोट को ऑपरेट करते हैं। एक बार इसको सिस्टम होता है इनका कुछ, और ये दोस्तों बिल्कुल पेक होता है कांच के अंदर, जिससे क्या तो कुछ भी धूल मिट्टी ना जाए। देखिए किस तरह से इसमें स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मशीनों के द्वारा होता है दोस्तों, जिसके कारण से जो फ्यूल टैंक होता है और उनकी जो लाइफ है उनका जो कलर आता इस तरह से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि सारा ये मशीनिस्ट होता है सारा, ठीक है। तो ये देखिए जो साइड पैनल होता है अपना उसके ऊपर भी कलर किया जा रहा है, और जो कुछ हल्का फुल्का रह जाता है उसको मैनुअल ही किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कलर का प्रोसेस पूरा होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रोसेस आता है दोस्तों अपना फ्रेम लाइन का, ठीक है। तो इंजन के बाद दोस्तों देखिए किस तरह इसमें चेचिस लगाया जा रहा है,
जिसके बाद इंजन इसमें लोड हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आगे का प्रोसेस आता है, वायरिंग हो गया और आगे देखने आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, एक एक चीज़ आपको दिखाई जाएगा। इसमें देखिए अभी साइड जो स्टैंड होता है अपना वो लग गया और ये अपना फ्रेम लग गया, ठीक है। तो सभी जो वर्कर्स काम करते हैं सभी का अलग अलग काम होता है, तो जैसे कि इनका काम बस ये इतना होता है कि इनको ये इंजन आया उसके ऊपर आपको फ्रेम चढ़ाना, ठीक है। इनका काम ओनली फॉर इतना ही रहता है, ठीक है। तो ये पूरे दिन यही काम करेंगे, ठीक। उसके अलावा देखिए आगे जो फ्रंट व्हील होता है वो इन्होंने इस पर असेंबल कर दिया, ठीक है। तो ये इनका काम नेक्स्ट काम हो गया, ठीक है। तो ये भी फ्रंट व्हील ही इसके अंदर असेंबल करेंगे। कंप्लीट दोस्तों असेंबली आती है, ज़्यादा इतना नहीं रहता है कि इसके अंदर। अभी देखिए सॉकर कंप्लीट लगे हुए हैं, रियर फ्रंट व्हील बिल्कुल लगा हुआ, कुछ आपको डायरेक्ट लगाना है इसके अंदर। तो ये इसका हेडलाइट वगैरह हैंडल बार सब इसमें लग के आता है पहले से, ठीक है। सब असेंबली में सारे काम हो जाते हैं, जिससे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आगे जो देखेंगे आप, इसमें वायरिंग लग जाएगी पूरी, क्योंकि दोस्तों वायरिंग जो होती है अंदर का एक पार्ट आ जाता है, उसके बाद फ्यूल टैंक इसमें लग जाएगा। तो ये देखिए गन से काम होता सारा। अभी ये देखिए रियर जो व्हील होता है अपना वो इसके अंदर लग गया, झूला लगा दिया इन्होंने, ठीक है। और रियर व्हील इसके अंदर लग चुका है, ठीक है। और ये एक्सल इन्होंने लगा दिया है। और दोस्तों चेन स्पॉकर इसके लगी है, सॉकर लगा दी इन्होंने। तो ये जो काम है काफ़ी फास्ट होता है दोस्तों, आप देखेंगे कि एक मिनट के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे एक देखिए अभी वायरिंग इंस्टॉल हो रही है इसके अंदर, तो इसमें जो वायरिंग लगा रहा बंदा वो पूरे दिन वायरिंग ही लगाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी का काम अलग अलग होता है। और जब भी इस कंपनी में दोस्तों जो लोग जाते हैं उनको सबसे पहले इसको ट्रेनिंग दी जाती है, लगभग आप मान के चलो 15 से 20 दिन की इसमें ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर उसको सिखाया जाता है कंप्लीट की किस तरह से आपको काम करना, ठीक है। और जो भी इनके रूल्स होते हैं, रूल रेगुलेशन सारे पते होने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों कंपनियाँ जो होती हैं बहुत ही क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं। साथ में दोस्तों सेफ्टी का आपको यहाँ पर पूरा ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे कि अपने ग्लव्स हो गए, ग्लव्स पहनना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि अगर ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो आपको हल्की चोट लग सकती है और जो गाड़ी होती है उसके ऊपर स्क्रेच वगैरह आने के चांस रहते हैं। तो ये देखिए किस तरह से इन्होंने फ्यूल टैंक असेंबल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये फ्यूल टैंक असेंबल हो गया है। अभी देखिए आप इसमें आप देखेंगे कि सीट लग जाएगी इसमें, और ये टेल जो पैनल हो गया, टेल लाइट हो गई, सीट लग गया। देखिए लगभग कम्प्लीट गाड़ी बन चुकी है। अभी दोस्तों ये इंस्पेक्शन के लिए आगे जाएगी, FI जिसको बोलते हैं, ठीक है। फाइनल इंस्पेक्शन बोला जाता है, जहाँ पे पूरी गाड़ी को चेक किया जाता है, ठीक है। सारे सिस्टम इसमें चेक किए जाते हैं और दोनों व्हील को घुमा के देखा जाता है, और इसको दोबारा ट्रायल भी लिया जाता है इसका, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही दोस्तों ये 12 शोरूम के लिए गाड़ी जाती है, ठीक है। तो सब कुछ इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखिए जो बाइक है, ये पैनल लग गया है इसमें, लगभग ये बाइक है बिल्कुल 80-90% कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो हेडलाइट इसमें लग चुकी है, और देखिए फ्यूल टैंक के ऊपर इन्होंने एक कवर लगा रखा है, जिससे कि बाइक के अंदर कोई स्क्रेच ना आए, ठीक है, क्योंकि इधर उधर लगता है जिससे कि डेंट आ सकता है। अभी ये जो इंस्पेक्शन के लिए जा रही है बाइक, ठीक है, तो यहाँ पर इसका चेक किया जाता है दोस्तों कि इसका जो एग्जॉस्ट के ऊपर एक मशीन लगाई जाती है, और देखिए फ्रंट व्हील को घुमाया जाता है, रियर व्हील को फुल काफ़ी ज़्यादा फास्ट घुमाया जाता है, जिससे कि इसमें कुछ चेक किया जाता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको अलावा दोस्तों इंडिकेटर्स हो गए, हेडलाइट वगैरह सारी चीज़ें इसमें प्रॉपरली चेक की जाती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको दोबारा से ओपन किया जाता है और फिर से इसको ठीक किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कम्प्लीट ये लास्ट स्टेप है दोस्तों बाइक की, ठीक है। उसके बाद देखिए बाहर आ जाती हैं, ठीक है, अगर ओके हैं तो। तो ये चेक हो कुछ होने के बाद दोस्तों थोड़ा सा बाहर भी इसको घुमा के लाया जाता है, ठीक है, राउंड के लिए। उसके बाद दोस्तों ये जो भी इनका काम होता है उसके अलावा ऑर्डर के हिसाब से ये शोरूम में, ये ट्रायल के लिए बाहर आ चुकी है, उसके बाद ये शोरूम में भी जाती है। तो दोस्तों ये होता प्रोसेस रॉयल इनफील्ड बाइक का, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह रॉयल इनफील्ड जो बाइक होती है वो फैक्ट्री के अंदर बनती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आइए तो प्लीज़ लाइक करें, एक कमेंट करें, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।